हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन विज्ञान अंश क्लास नाइन्थ साइंस। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व सम मोर न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द मोशन बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने पहले ही पढ़ी है, तो इन्हीं को यूज करते हुए फर्दर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। दो न्यूमेरिकल अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? ए रेसिंग कार हैज ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें क्या मिल गई? ए मिल गई। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड? हमें क्या मिल गया? टाइम मिल गया है। आफ्टर इट स्टार्ट, स्टार्ट मतलब शुरू हो रहा है, तो यू क्या हो गया? 0। हमें क्या निकालना है? एस निकालना है। क्या निकालना है? एस। तो हमें डिस्टेंस और टाइम, पोजिशन टाइम वाला इक्वेशन यूज करेंगे। हमें जो दिया होता है वहीं से पता लग जाता है, लेकिन सॉल्व करते हुए कहाँ से शुरू करेंगे? हम गिवन से, फिर वही सिस्टम रहेगा। सबसे पहले क्या लिखिए? क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको गिवन है वो लिखिए। स्टार्ट से कर रहा है इसलिए यू क्या है? 0 मीटर पर सेकंड। उसके बाद क्या दिया गया? एक्सेलरेशन दी गई है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद आपको टाइम दिया गया है 10 सेकंड। ठीक है जी। टू फाइंड, क्या फाइंड करने को बोलते हैं? क्या फाइंड करो? एस निकालो, कितनी दूर गाड़ी जाएगी। अब हम फार्मूला क्या यूज करेंगे? ऐसा फार्मूला जिसमें क्या हो, ए हो, यू हो, ये लिख लीजिए। अगर ना पता लगे तो ऐसे लिख लिया करो, टी है, एस है, ये निकाल लो। तो ए है, यू है, टी है, एस है, इन्हीं को यूज करते हुए हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हमारे पास ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें सब कुछ है? तो हमारे पास है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हम इसको यूज करेंगे। हम सॉल्यूशन शुरू कर देते हैं। एस निकालना है, यू की जगह वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। टाइम कितना है? 10 प्लस हाफ इंटू ए कितना है? 4 इंटू टी, टी कितना है? 10। और इसकी क्या निकालनी है? स्क्वायर। ये तो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, 0 इंटू टी। तो ये क्या हो गया सब? ये 0 हो गया, समझ रहे हैं? प्लस हाफ इंटू 4 इंटू ये, तो हाफ का हाफ, 4 का 4। अब इसको स्क्वायर किया तो क्या बनेगा? ये 100। तो अब यहाँ से कट के 2 हो गया, तो एस कितना आया? 200 हमारे पास वैल्यू मीटर में है, तो एस कितना है? गाड़ी कितने मीटर चली? 200 मीटर इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं तो देखिए, पहले पढ़ते हैं उसको। कहता है ए स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। एक स्टोन है, उसको नीचे से ऊपर को फेंका गया विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। ऊपर जाते उसकी वेलोसिटी क्या है? 5 मीटर पर सेकंड है, हमें उसकी वेलोसिटी पता लग गई। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इस मोशन इज 10 मीटर पर सेकंड। आपको ए मिल गया उसका, ठीक है, इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, वापसी आते हुए, ठीक है। व्हाट विल बी द हाइट अटेंड बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर? वापिस आने, देखिए ऊपर को फेंका गया, एक पॉइंट तक पत्थर जाएगा, फिर वहां से स्टोन वापिस आएगा। नीचे को आते हुए स्पीड ये है, जब यहां पहुंचेगा तो यहां 0 हो जाएगी, ये ध्यान रखना आपने, राइट, यहां तक 0 हो जाएगी। और ऊपर जाते हुए वेलोसिटी ये है, हमने निकालना आने जाने का टाइम साथ। तो देखिए कैसे निकलेगा, वहीं से शुरू करेंगे। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? गिवन। हमें गिवन क्या दिया गया है? जाने पहले फर्स्ट केस लेते हैं, केस 1, ऊपर जाने की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो उसकी शुरू की वेलोसिटी कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड। देखिए मैंने कहा पत्थर यहाँ से उठाया गया, ऊपर को फेंका गया, नीचे तो बोल रहा है वो 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, लेकिन यहाँ जाके वो इंस्टेंटली स्टॉप कर जाएगा, इसलिए यहाँ 0 हो जाएगी। तो फाइनल उस टाइम पे क्या होगी? 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। जब ये ऊपर को जा रहा है तो ग्रेविटी इसको कहाँ खींच रही है? नीचे। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लग रही है? -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ए इज इक्वल टू -10, ठीक है जी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब कितना ऊंचा जाएगा? हम यहां से पहले एस निकालेंगे, हमें पता हो कि ऊपर को कितना जाएगा, केस वन में तभी क्लियर है ना। तो एस हमें क्या करना है? केस वन में 2 फाइंड हुआ एस, ठीक है जी, यहां तक समझ आ गया। और दूसरी बार हमें यह निकालना कि ऊपर जाके जब वापस नीचे पहुंचेगा तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा। तो ये 2 निकालना है, क्लियर। हम केस 1 के ही सॉल्व करते हुए पहले एस को फाइंड आउट करते हैं, इस सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो केस 1 के लिए हमें एस निकालना है,
देखिए पहले जो पता वो लिख लो, देखो क्या क्या यू पता, वी पता, ए पता, एस पता, तो हमारे लिए क्या फार्मूला है पता ना, एस निकालने के लिए क्या फार्मूला है, अभी यूज़ किया हमने पहले, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as, एस निकालते तो एस किसके बराबर हो जाता है, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर अपॉन 2a के बराबर। वी हमें पता है गाड़ी ऊपर जाके जीरो हो जाएगी, ए हमें पता है 5 स्क्वेयर अपॉन 2, हमें पता है एस रिलेशन कितनी है माइनस 10 है क्योंकि वो रिवर्स में आ रहा है, क्लियर। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये क्या आया, माइनस के 5 5 इट इज 25 डिवाइडेड बाय, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 2 20, लेकिन ये माइनस के 20 आएंगे, माइनस से माइनस कट गया, 5 5 20 5 5 4 20, तो 5/4 हो गया। आगे इसको सॉल्व करते हैं आप तो क्या आ जाएगा, 4 1 4 और हमारे पास कितना बचा इसमें 10, 4 2 8, 8 से फिर 20 आ लिए, तो इतने जो मीटर है ये ऊपर गई, ये हमें पता लग गया कि जो बॉल है ये ऊपर कितनी हाइट पर गई है, स्टोन 120 मीटर पर गया, तो s इज इक्वल टू 1.25 मीटर। ये पहला पार्ट यहाँ से सॉल्व, ठीक है जी। अब ये ऊपर जाने में और नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, वो पहले 1.25 ऊपर जाएगा फिर 1.25 नीचे आएगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2.5 मीटर, हमें टोटल डिस्टेंस मिल गया, समझ रहे ना, हमें क्या मिल गया है, s टोटल मिल गया है। अब हमने क्या निकालना है, टाइम निकालना, ठीक है जी। एक चीज का ध्यान रखिए, यहाँ क्वेश्चन यह वापस आने का नहीं पूछा है, ऊपर ही पूछा, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर, ऊपर पहुंचने में कितना समय लगेगा, मींस जो हमने हाइट निकाली है, कितनी निकाली है हमने अभी हाइट, दैट इज 1.25 मीटर, यहाँ वापस में नहीं, टॉप आने में उसको सिर्फ कितना समय लगेगा ये निकालना हमने। तो टॉप के लिए जब वो यहाँ पहुंच रहा है तो हमने क्या पढ़ा कि जब ऊपर जा रहा है तो उसकी वी क्या हो रही है, जीरो, क्या हो रही है, यहाँ पे आके जीरो हो रही है। तो हम सिंपल फार्मूले से भी इसको निकाल सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं हम इसके लिए फार्मूला, वी इज इक्वल टू यू प्लस 80 लेंगे। देखिए ऊपर जाके वी क्या हुआ, जीरो, यू अभी हमने भरा था कितना, यू इसका है दैट इज 5, प्लस ए हमें पता है एसोलेशन कितनी है 10, दैट इज इन माइनस 10, और हमने क्या निकालना, टी निकालना, क्लियर जी। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो जो यहाँ 5 प्लस के हैं इधर जाके किसके हो जाएंगे, अगले पेज पे चलते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन थी यू, तो इधर क्या था हमारे पास 5 माइनस 10 इंटू टी था, ये इधर जाके प्लस के 5 हो गए, तो हम इधर चले हैं अभी, ठीक है जी, प्लस के 5 थे इधर जाके किसके हो गए, माइनस के हो गए, इज इक्वल टू माइनस 10 टी हो गया। अब टी उधर चला जाएगा, टी इधर रख लेता हूँ, माइनस 10t इज इक्वल टू माइनस 5, तो टी इज इक्वल टू माइनस 5/-10 कट गया 1/2, तो टाइम इज इक्वल टू 1/2, तो टाइम इज इक्वल टू 0.5 सेकंड, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्लियर, बात समझ आ गई होगी। यहीं से हमने शुरू किया है, यू हमें पता था 5 है, ए हमें पता माइनस 10 है, ठीक है, इसी इक्वेशन में को हमने यहाँ भर दिया। इक्वेशन क्या थी हमारे पास, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, तो u हमारे पास कितना था प्लस के 5, a कितना था माइनस के 10, 40, ये इधर चला गया u, तो किसका हो गया माइनस का, और यहाँ क्या आ गया, मल्टीप्लाई थी आपस में, मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस के 10t, तो माइनस 10t इज इक्वल टू माइनस 5, इसी को सॉल्व करके हमें टाइम भी पता लग गया, तो हमारे दोनों ही आंसर क्या हो गए, तो इस तरह से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, जय।